हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इस वीडियो में हम आपके लिए लिखकर के आए हैं प्रपोजिशन इन और इनटू के बारे में, और यहाँ पर हमें फिल करना है कि सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाएगा और कहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनका यूज़ किया जाता है जब किसी वस्तु के अंदर या किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो, यानी कि कोई वस्तु हो उसके अंदर कुछ भी हो, तो प्रपोजिशन यूज किया जाता है आपका इन। एंड इनटू का यूज किया जाता है जब किसी वस्तु के अंदर या किसी चीज में कोई चीज ऊपर से आए, सामने से जाए, इन सिचुएशन में। तो याद रखिए, तो सबसे पहले देखें, और मूवमेंट में होगी तो इनटू का यूज होगा, और कोई चीज पहले से ऑलरेडी उस किसी चीज के अंदर है तो प्रपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। पहला सेंटेंस है द फिश स्विम डैश द रिवर। तो मछली नदी में क्या करती है, स्विम करती है, तो वो ऑलरेडी पहले से ही उसी में होगी, तो प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा यहाँ पर आपका इन का यूज किया जाएगा। सेकंड है द मैन जंप्ड डैश द पूल। अब जंप होगी तो कैसे होगी, वह व्यक्ति की ऊपर से होगी और वो किसी चीज के अंदर, यानी कि ये नदी है और जो जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ना कि वो उसके सरफेस पर रहेगा। और जब किसी चीज के अंदर मूवमेंट में जाते हैं तो प्रपोजिशन यूज किया जाता है इनटू। तो यहां हो जाएगा द मैन जंप्ड इनटू द पूल। नेक्स्ट है दे वर स्टैंडिंग डैश द रूम। ओके, तो वे कमरे में खड़े थे, तो यानी कि ऑलरेडी वो पहले से ही थे, वो मूवमेंट के रूप में अंदर नहीं गए। तो याद रखिए, तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा, इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा दे वर स्टैंडिंग इन द रूम। नेक्स्ट है वी आर डैश द क्लास रूम नाउ, यानी क्लास रूम के अंदर वो पहले से ही हैं, तो यहाँ पर प्रपोजिशन यूज हो रहा आपका इन। नेक्स्ट है देयर इज ए बर्ड इन द केज। पिंजरे के अंदर क्या है, एक बर्ड है, पक्षी है, तो यूज क्या हो रहा प्रपोजिशन इन। वी वॉक्ड डैश द नेक्स्ट रूम। अब वॉकिंग करते हुए हम क्या गए, नेक्स्ट रूम में गए, तो क्या हो जाएगा मूवमेंट, और मूवमेंट के थ्रू जब किसी चीज में प्रवेश होता है तो प्रपोजिशन यूज किया जा रहा है आपका इनटू। तो यहाँ हो जाएगा आपका इनटू प्रपोजिशन, यानी ये सिक्स नंबर में हो रहा, वी वॉक्ड इनटू द नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द फील्ड। तो ये हो जाएगा आपका इन द फील्ड, ऑलरेडी पहले से ही हैं वो। नेक्स्ट है ही पॉर द वाटर, उसने पानी को डाला, किसमें डाला, द जग। तो क्या हो रहा मूवमेंट हो रहा, वाटर कहाँ जाएगा, जग में, तो प्रपोजिशन क्या यूज हो रहा है यहाँ पर इनटू। तो ये हो जाएगा ही पॉर द वाटर इनटू द जग। नेक्स्ट है सी डाइव्ड डैश द सी। अब मान लीजिए ये सी है और कोई डाइविंग करता है तो कैसे करेगा डाइविंग, ऊपर से आएगा, है ना, कूदेगा बोट वगैरह से और वाटर के अंदर जाएगा, तो प्रपोजिशन यूज किया जाएगा यहाँ पर इनटू। यहाँ पर प्रपोजिशन यूज हो रहा इनटू, तो हो जाएगा सी डाइव्ड इनटू द सी। एंड लास्ट वन है द रिवर फ्लोज इन द सी। ओके, तो ये थे सिंपल से प्रपोजिशन, सॉरी इनटू द सी हो रहा यहाँ पर, रिवर फ्लोज इनटू, यानी कि नदी क्या होगी उसमें जाकर के मिलेगी, इसमें सी में, तो प्रपोजिशन यूज हो रहा है यहाँ पर इनटू। तो ये थे आपके 10 सेंटेंस, कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट भी करें वीडियो पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।